बुजुर्गों की भी अजीब कहानी है। न खाने को रोटी, आँखों में बस पानी है। शरीर के हाथों हारे, ये मन के जवान है। हर घर में बुजुर्ग जरूरी हैं, क्योंकि ये भगवान है। नमस्कार, हम कक्षा 10वीं से आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का किरदार वो पेड़ है जिसमें उम्र भर छाया दी, पर वो लोग जो उम्र भर उस छाया में बैठे उसके पत्ते सूख जाने पर उसे काटकर अलग कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों की जिनका आखिरी सहारा अब वृद्धाश्रम हो चुका है। कहानी एक बेटे की जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया है और माँ उसका इंतजार कर रही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बहन जी, मेरा नाम मोहन है। नमस्कार मोहन जी, मेरा नाम शारदा है। आइए बैठिए शारदा जी। मैं यहाँ सिर्फ 7 दिनों के लिए आई हूँ। 7 दिन बाद मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा। वो ना मेरे घर में काम चल रहा है, फिर मुझे मेरा बेटा यहाँ से ले जाएगा। अच्छा जी, वैसे क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में एक अफसर है। चलो मैं पहुँच गई, अब उसे फ़ोन करके बता देती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो? माँ मुझे परेशान मत करो, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। बेटा मैं तो ये पूछ रही थी कि तुमने खाना खाया या नहीं। तू मेरी चिंता मत कर माँ, फोन रख दे। शारदा जी, क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? अभी वो मीटिंग में बिजी है ना, ये कहकर उसने फोन रख दिया। शारदा जी, मैं यहाँ 10 सालों से हूँ, जो एक बार यहाँ आ जाता है ना, इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा पाता। मेरी मानो तो अपना मन यहीं लगा लो। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाएगा। इतनी उम्मीदें मत पालिए शारदा जी, उम्मीदें तो हमेशा दर्द ही देती है। अब देखिए ना, मेरा बेटा तो मुझसे मिलने भी नहीं आता। आप चुप रहिए बहन जी, मेरा बेटा आपके बेटे की तरह नहीं है। 15 दिन गुजर जाते हैं, ना बेटे का फोन ना उसका पता। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? माँ मैं काम से बाहर आया हूँ, मुझे बार बार फोन मत करो, अभी टाइम लगेगा। और शारदा जी, क्या कहा आपके बेटे ने? उसने कहा कि अभी वो काम से बाहर गया है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। शारदा जी, मैंने पहले ही कहा था, अपना तो नसीब ही ऐसा है, वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। थोड़े दिन और रुक जाओ, यहीं के होके रह जाओगे। टाइम पे खाना, आराम से सोना, मेरा तो यहाँ खूब दिल लग जाता है। भजन कीर्तन में ध्यान करो और मौज करो। देखो जी, आप तो सब अपने काम से काम ही रखो, आप सब मुझसे जलते हो। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, आप वाले तो आपको पूछते तक नहीं हैं। देखो मैं उसे अभी फ़ोन लगाती हूँ। अरे बेटा, तुम मुझे लेने नहीं आए? माँ मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, और आगे से कभी फ़ोन मत करना। मोहन जी, एक बार मेरे बेटे को फ़ोन लगा दीजिए। लगाता हूँ, घंटी नहीं जा रही है, उठा नहीं रहे हैं। वहाँ मेरे बेटे की तस्वीर रखी है, वो ही ला दीजिए और एक बार फिर से फ़ोन लगा दीजिए। शारदा जी, फोन कट गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, उठिए शारदा जी। ये सिर्फ शारदा जी के घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आओ मिलकर हम संकल्प करें कि किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम न जाना पड़े।